हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर दम बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं तो आपके पनीर दम बिरयानी बहुत ही अमेजिंग टेस्टी बनेगा। चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। पनीर दम बिरयानी के लिए हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम। पनीर को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपका पनीर सॉफ्ट नहीं हो तो आप इसे गर्म पानी में डालकर उबाल सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, तो इससे आपका पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें मैरिनेशन तैयार करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो यह देगी मिर्च है तो मैंने इसे तीखा थोड़ा सा कम बनाया है। भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच, ब्राउन फ्राई किए हुए प्याज 2 चम्मच, दही 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। तो दही को मैंने, इसका जो पानी है उसे मैंने अलग कर लिया है, यह हंकर्ड है योगर्ट। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और दही को अच्छी तरह फेंट लें। नमक स्वाद के अनुसार, नमक का ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, क्योंकि नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे तो नमक थोड़ा सा कम डालेंगे। नींबू का रस, मैंने आधे नींबू को निचोड़ लिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पुदीना नहीं था, मैं इसमें सिर्फ धनिया पत्ते ही डाल रही हूँ। इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बिरयानी बनता है। इन सभी को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे ताकि हमारा मैरिनेशन तैयार हो जाए, पनीर अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो जब तक पनीर हमारा मैरिनेट हो रहा है, चावल की तैयारी कर लेते हैं। ये है बासमती राइस जो कि लाल किला ब्रांड का है। यह एज्ड राइस है, आप किसी भी ब्रांड का राइस ले सकते हैं। मैं लाल किला राइस ही ले रही हूँ। इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है। राइस मैं डाल रही हूँ 1 और आधा कप यानी कि 1.5 कप। अब चावल को अच्छी तरह धोना है, पर इसे हमें हल्के हाथों से ही धोना है। चावल के जो दाने हैं वो टूटने नहीं चाहिए। इस तरह से क्लीन वाटर आना चाहिए, तो इसे हमें हल्के हाथों से इस तरह से रगड़ कर धोना है, जिससे कि हमारा चावल के जो दाने हैं वह टूटे नहीं और जो चावल में स्टार्च है वह भी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप चावल को 3 से 4 बार अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। अब हम चावल को भिगोने के लिए रख देंगे कम से कम 45 मिनट के लिए। इससे हमारा बिरयानी बहुत ही बढ़िया टेस्टी खिला खिला बनता है। चावल एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो 45 मिनट हो गया है, अब चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और जब 45 मिनट हो जाए तो चावल को हमें पानी में छोड़ना नहीं है, उसे हम स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लेंगे। पैन में मैंने डाल दिया है घी 2 बड़े चम्मच, 2 तेज़पत्ता और स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज को अच्छी तरह भूनना है जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, प्याज हमारा फ्राई हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैरिनेट किए हुए पनीर को। पहले इसे हम चलाएंगे नहीं, एक बार इस तरह से फैला देते हैं और जो मैरिनेशन का मसाला बचा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पनीर में मिक्स कर लिया है। ऊपर से मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाला, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया सा आता है। इसे हम हल्के हाथों से ही चलाएंगे। अब इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। जैसे जैसे दही पकेगा वैसे यह पानी छोड़ते जाएगा। तो ये देखिए, हमारा पनीर पककर तैयार हो गया है बिरयानी के लिए।
अब इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऊपर से डाल देते हैं 1 से 2 हरी मिर्च, इसे मैंने बारीक चॉप नहीं किया है, और इसे कवर करके गैस से हटा लेंगे। अब हमें चावल की तैयारी करनी है, हमें चावल को पकाना है। पतीले में डालेंगे पानी लगभग 1 लीटर के करीब। पानी को अच्छे से हमें उबालना है। उससे पहले इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े गरम मसाला, 1 तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, चक्री फूल, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार, घी 1 बड़े चम्मच। आप घी की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमें पानी को उबालना है। जब एक बार पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच विनेगर, या वाइट विनेगर है। विनेगर डालने से चावल अच्छे से खिलता है और जो चावल का कलर है वो चेंज नहीं होता है, बिल्कुल वाइट ही रहेगा। अगर आप विनेगर डालना नहीं चाहते हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो। हमें चावल को 70-80% कुक करना है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो चावल डालने के बाद पहले से हम चला लेंगे, उसके बाद हमें इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो ये देख सकते हैं चावल हमारा पक गया है, और हमें चावल को पकाने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। तो चावल को मैंने निकाल लिया है, चावल हमारा पककर तैयार हो गया है। इसे मैंने 75% कुक किया है, और जो पतीले में चावल बचा हुआ था उसे हम पतीले में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। चावल को मैंने पनीर के ऊपर डाल दिया है, अब इसे हम इस तरह से फैला लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से डाल देते हैं प्याज या फ्राइड अनियन है, केसर वाले दूध, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो आप एक बार यह बिरयानी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। बिरयानी मसाला, घी 1 चम्मच, घी डालने से चावल आपका ड्राई बिल्कुल भी नहीं रहेगा। फूड कलर, जिससे बिरयानी हमारा देखने में बहुत ही अच्छा लगे, काफ़ी अच्छा दिखे। वैसे फूड कलर डालना यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो या फिर आप डालना नहीं चाहते हो तो आप ना डालें। और इसमें मैंने थोड़ा सा एसेंस मिला दिया है, या बिरयानी एसेंस है। ऊपर से डाल देंगे धनिया पत्ती। अब मैं दूसरा लेयर तैयार कर रही हूँ, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं जैसे मैंने पहले बनाया है। चावल को हमें इस तरह से फैला लेने हैं, उसके बाद हमें फ्राइड अनियन, केसर वाला दूध, फूड कलर, ये सभी कुछ डालकर हमें इसे अच्छी तरह असेंबल कर देना है। घी, अगर आप घी डालना नहीं चाहते हो तो आप ना डालें। बिरयानी मसाला, इसे इस तरह से हमें स्प्रिंकल करके डालने हैं ताकि चारों ओर अच्छी तरह फैल जाए। फूड कलर, यह ऑरेंज रेड फूड कलर है, और केसर वाला दूध, तो मैंने केसर वाले दूध को अच्छी तरह डाल दिया है। हरी मिर्च, और ऊपर से डालेंगे धनिया का पत्ता, अगर आपके पास पुदीना पत्ता है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे कवर कर लेते हैं। मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर रही हूँ, आप चाहो तो आटे के डो से भी आप इसे कवर कर सकते हो। इसे हमें अच्छी तरह कवर करना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब मैं इसे तवे पे पका रही हूँ, इसे हम डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। तो पहले हमें इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। जब एक बार तवा और ये हमारा पैन अच्छी तरह गर्म हो जाए, फिर हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और हमें बिरयानी को लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 20 से 25 मिनट के लिए पका लेने हैं। तो 25 मिनट हो गया है और ये हमारा बिरयानी भी तैयार हो गया है। अच्छी तरह हमारा चावल भी पक गया है, और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है बिरयानी से। बिरयानी को हम हमेशा साइड से निकालते हैं, और ये देखिए
राइस अच्छी तरह पक गया है, बिल्कुल खिला खिला है, एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है, और जो राइस का कलर है बिल्कुल वाइट है, वाइट हुआ है हमारा विनेगर डालने से। तो आप एक बार यह बिरयानी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। चावल के दाने आप देख सकते हैं एक दूसरे से अलग है, चिपक नहीं रहा है। तो फिर चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो इसे बनाना तो बनता है, आप इस बिरयानी को सर्व कर सकते हैं रायता के साथ, और इसके साथ ही आप इसे सलाद के साथ भी सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। होप्स आपको हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।